नमस्कार, आज मैं एक जिलाधिकारी डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है और उसी पुस्तक के बारे में हम आप लोगों से आज काफ़ी गहराई से बात करने वाले हैं और इस किताब के बारे में हमें जो अनुभव है इसका शेयर करने वाले हैं। जो भी होम्योपैथिक से लगाव रखते हैं, होम्योपैथिक दवा खाते हैं, चिकित्सक हैं, होम्योपैथिक स्टूडेंट हैं और तमाम तरह के चिकित्सा होम्योपैथी के जो क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो इसका वैज्ञानिक है, प्रोफेसर हैं और कोई भी कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, जो लोग उन्हें आदर के दृष्टि से देखते हैं, आदर देते हैं, उन सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल GSMP क्लिनिक एंड न्यूज में सभी लोगों का बहुत बहुत आदर है, इज्जत है, स्वागत है। आज DM साहब पर हम चर्चा करेंगे। उनको भी कोई ना कोई बीमारी पकड़ लिया होगा, तमाम तरह के एलोपैथिक चिकित्सा लेने के बाद भी उनका बीमारी ठीक नहीं हुआ होगा, तभी DM साहब ने इसके वैल्यू को जाना होगा और जिलाधिकारी होने के बाद भी जो ये चिकित्सा पद्धति कहीं कोने में रखा हुआ होगा उसे निकाल कर लाए होंगे और कोने में दवाई कहीं रखा होगा, उस समय बहुत कम चिकित्सक होंगे और दवा भी कम मिलता होगा, उस समय में ये दवा कोई ना कोई उनके बीमारी को झंझटिया है जो क्रोनिक हो गया होगा ठीक किया होगा, तभी DM साहब का इस पद्धति के प्रति उनका रुझान हुआ होगा और धीरे धीरे बहुत सारे रोगियों को भी जो कष्ट में होगा उनके साथी से अपना कुछ अनुभव, कुछ दवा दिए होंगे उस टाइप का ठीक हुआ होगा और इसके बाद से उनको इस पैथी के प्रति रुचि भरा होगा। चूँकि एलोपैथ के बारे में तो सब लोग जानते हैं, होम्योपैथ के बारे में उनको जिज्ञासा लगी होगी, थोड़ा देखा जाए इस पैथी में, इस पैथी में क्या खास है कि असाध्य बीमारी को ठीक कर दे रहा है। ऐसे ही करते 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 उनको इस होम्योपैथिक से रुचि हुआ होगा और धीरे धीरे लोगों को दवा देते 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 वो एक प्रैक्टिशनर बन गए थे और हम समझते हैं कि रिटायरमेंट के बाद में भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस किए होंगे क्योंकि पूरा फुर्सत में मिला होगा और अपने अनुभव को एक जगह कंक्लूड करके उन्होंने पुस्तक को लिखा और बहुत लोग उसे हमारे लेखक जो हैं उसे अनुवाद किए और उसे मार्केट में प्रकाशित किया गया। तो हम पहले इनसे देखते हैं, ये इनका नाम है, यहाँ सरल पारिवारिक होम्यो चिकित्सा क्विट बेड साइड प्रेस्क्राइबर का हिंदी संस्करण, हिंदी एडिशन, और लेखक इसके हैं स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण सिंघल। ये FRHS कलकत्ता, RMP अवकाश प्राप्त जिलाधीश उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारी रह चुके हैं और ये जब ये स्वर्गीय इनमें लगा हुआ है, स्वर्गीय श्री जगदीश नारायण सिंघल RMP अवकाश प्राप्त जिलाधीश रहे हैं उत्तर प्रदेश का और कलकत्ता से RMP यानी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर और होम्योपैथी का उस समय में HRHS कोई वहां पर सर्टिफिकेट होगा, थोड़ा बहुत जानकारी लेकर उसे संस्था से संपर्क किए होंगे तब इसका इस बुक को उन्होंने लिखा होगा। हमें खुशी है कि जिलाधिकारी महोदय जैसे लोग इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं और उन्हीं लोगों के बदौलत छोटे बड़े सभी लोगों को मिलाकर आज पैथी धीरे धीरे बहुत बड़ा चिकित्सा पद्धति बढ़ गया है और व्यापार भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। भारत का व्यापार लगातार इसमें बढ़ते जा रहा है। यदि आप भी इसमें अपना रोजगार तलाशते हैं तो फार्मेसी खोलकर यानी होम्योपैथिक दवा की दुकान खोलकर और सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग का कोर्स करके करियर को आगे बढ़ा सकते हैं।
बशर्ते कि आपको इसमें रुचि होनी चाहिए। सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग कोर्स जो है पूरे भारत में मान्यता है और इसे NIOSH द्वारा ये आपको इसमें एडमिशन लिया जा सकता है। NIOSH द्वारा अधिकृत सेंटर से आप ले सकते हैं। यदि आपको सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग की कोर्स करनी है तो उसमें 9801757533 यानी 9807757533 पर व्हाट्सएप कर व्हाट्सएप द्वारा आप इसके बारे में ब्रीफ सारा छोटा मोटा आप जानकारी ले सकते हैं। डिटेल्स के लिए YouTube पर रजिस्ट्रेशन कराकर इसका डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो आप इसका देखते हैं अनुवाद कौन किए हैं। डॉक्टर कमल कंसल DHMS दिल्ली होम्योपैथिक चिकित्सक, सह अनुवाद श्री रघुवीर नारायण सिंघल, बी जैन पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली। आप यहाँ पर देखिए और इसके ट्रांसलेट भी करने वाले लोग हैं, दो चिकित्सकों द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। और देखते हैं इसमें खासियत, आपको क्या क्या खासियत है। ज़्यादा मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसको इम्पोर्टेंट को आपके पास हम पहुँचाए, कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कमर्शियल हो, जो स्टूडेंट हो वही इससे का पढ़ाई कर सकते हैं, जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। बल्कि आपको क्रोनिक बीमारी है और यदि आप ठीक हो गए हैं, समर्थ है, तो आप इसके कोर्स को कर सकते हैं। आप इसके पढ़ाई करने के लिए इसमें उम्र सीमा कोई भी नहीं है, अनलिमिटेड है। आपको NIOSH बहुत बड़ा आपको ये चांस दे रहा है कि एज लिमिट नहीं किया है। ऐसे हर पढ़ाई के लिए दुनिया में कोई ना कोई एज लिमिट अवश्य हो जाता है, लेकिन इसमें आपको एज लिमिट बिल्कुल नहीं है। तो एक कलेक्टर द्वारा होम्योपैथिक का पुस्तक लिखना अपने आप में एक बहुत गौरव की बात है और इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। जब जिलाधिकारी दवा खाएंगे, मुख्यमंत्री दवा खाएंगे, प्रधानमंत्री खाने लगेंगे, राष्ट्रपति खाने लगेंगे और इसका बीमारी ठीक होने लगेगा, निस्संदेह दिन प्रतिदिन इसका उत्थान ही होना है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो होम्योपैथिक से अगर कोई भी रिलेटेड आप रोजगार व्यवसाय, यदि आप बेरोजगार हैं, आप होम्योपैथिक का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखते हैं, तो इसके कुछ कोर्स करके आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं और आगे आप इसमें फार्मेसी भी खोल सकते हैं। जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हम इसमें देखते हैं कि थोड़ा एब्डोमेन उदर यानी शल्य क्रिया के बाद का जलन होना, यदि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ है, हाइड्रोसील है, हर्निया है, विभिन्न तरह का ऑपरेशन हो सकता है और बच्चे जो जन्म ऑपरेशन द्वारा लेते हैं, किसी तरह का ऑपरेशन हो जाता है, तो देखिए इसमें दवा क्या बताते हैं। अगर शल्य क्रिया के पश्चात उदर की किसी भी भीति अस्वस्थ दिखाई दे, चुभन तथा जलन महसूस हो, तो एस्टेपिस एग्रिया उत्तम है। ऑपरेशन के बाद में जो भी आपको उसमें प्रॉब्लम दिखाई देता है उसके लिए आप एस्टेपिस एग्रिया आप देखिए खिंचाव। एब्डोमेन उदर शूल विकार यानी एब्डोमेन कोलिक डिजॉर्डर्स, उग्र असंगत भोजन से, भोजन के मुंह के बाद में खट्टा स्वाद, खाने के एक या दो घंटे बाद पेट में दबाव महसूस होना, कमर में खिंचाव, पेट का फूल जाना, शौच का निरंतर एवं निष्फल इच्छा रखना तथा प्रत्येक प्रयास में थोड़ी मात्रा में पैखाना करना, इसे आराम न मिलना, नक्श भूमिका देखिए पाचन डाइजेशन तथा ऑप्शन शीर्षक के अंतर्गत। आप इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। नक्श भूमिका पेट संबंधी बीमारी को बहुत अच्छा करता है, जिन्हें शौच लगा है लेकिन जाते हैं तो होता नहीं है और गैस रहता है पेट में, खट्टा हल्का स्वाद भी रहता है। और आप देखिए आगे क्या लिखते हैं, उदर जल संचय, पेट का अत्यधिक फूल जाना, जल संचित अवस्था में पेट का असहिष्णु एवं निष्क्रिय हो जाना तथा अंततः आंतों का गतिहीन हो जाना,
गुर्दों का कार्य करना बंद कर देना, एपोसाइनम, जल संचय, ड्रॉपसी विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत देखें। यदि आपको किडनी काम नहीं कर रहा है तो एपोसाइनम आपके लिए बहुत अच्छा दवा है, और पेट भी, जिसके चलते पेट भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आध भी काम करना बंद कर दिया है, उन लोगों के लिए भी ये एपोसाइनम बहुत ही बेहतरीन दवा है। ये भी यहाँ पर भी डीएम साहब अच्छा अनुभव पेश किए हैं। उदर खालीपन तथा कमजोरी, सामान्य पखाने के पश्चात खालीपन एवं कमजोरी अनुभूति होना, डकार लेते समय नीचे से वायु के निकलने से आराम मिलना, एम्ब्रेग्रेसिया, अगर यदि आपके पास हवा खुलने से, एयर पास होने से आराम मिलता है तो एम्ब्रेग्रेसिया आपके लिए बहुत अच्छी दवा हो सकती है। और बच्चों का बढ़ा हुआ पेट, दांतों का देर से निकलना, यदि बच्चों का बढ़ा हुआ पेट, दुर्बल शरीर तथा सिर बड़ा, जिन बच्चों का माथा बड़ा रहता है, आपको बहुत सारे देखते हैं कि चेहरा छोटा सर बड़ा, तो उनके लिए कह रहे हैं देर से दांत निकलता, सोते हुए सिर पर पसीना आना, दस्त, उल्टियां होना, शरीर से दुर्गंध आना, कैल्केडिया कार्ड बहुत अच्छी दवा है। और जिन बच्चों का जो सर होता है, यानी उससे हेड सिर जो हुआ आपको बड़ा होता है, उसमें कैल्केडिया कार बेजोड़ काम करता है। अब हम देखते हैं क्या परसों के बाद पेट का लटक जाना, परसों के बाद यानी डिलीवरी के बाद में जिन महिलाओं का पेट ज़्यादा लटक गया है, उनके लिए आपको बहुत अच्छी दवा पोडोफाइलम है। बढ़े हुए उदर के लिए सीपिया क्लोसिंथ, यदि जिनका पेट बढ़ा हुआ उदर है, जिनका पेट बढ़ गया है, सीपिया क्लोसिंथ आपको बताया जा रहा है। और उदर में पिंड, जिगर के समीप पिंड हो तो निम्न औषधियाँ प्रयोग करें, कोनियम, ये भी है पेट निकलने वाले व्यक्ति के लिए कोनियम अच्छी दवा है, अमाशय के ऊपरी सिर पर पिंड का अनुभव, काली कार, जलीय एवं आव वृद्धि, स्पॉन्जी ट्यूमर, थूजा, जिनका आव है और उनको कुछ जलीय थोड़ा सा पेट में वाटर पानी जैसा दिखाई देता है तो उनके लिए थूजा है, और थूजा आपको दवा देनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे दवाओं का इन्होंने इसमें उपाय बताए हैं, और पुस्तक के पूरा पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि हमारे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये पुस्तक, कलेक्टर द्वारा लिखित पुस्तक आपको ये कैसे, ये हमको देखकर थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि उनका अनुभव क्या रहा होगा। अब इस पुस्तक को हम भी पूरा नहीं पढ़े हैं, और पढ़ने के बाद में हम शेयर करेंगे डीएम साहब इसके होम्योपैथी के बारे में उनका क्या नज़रिया रहा होगा, और पुस्तक को क्यों लिखे इसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जब जिलाधिकारी अब एक होम्योपैथिक चिकित्सक बन सकते हैं, उतना बड़ा उनको क्या जरूरत थी, लेकिन कुछ भी आप कर लीजिए, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप कुछ भी प्राप्त कर लीजिए, आपको कठिनाइयाँ आपको पीछे छोड़ने वाला नहीं है, दुख आपको पीछे नहीं छोड़ेगा। कौन सी आदमी, कौन व्यक्ति, कौन पुस्तक, कौन सी दवा आपको लग जाए, इसको कहा नहीं जा सकता है। होम्योपैथी को आगे बढ़ना होगा तो ऐसे ऐसे लोगों का बीमारी ठीक करेगा, तो निश्चित रूप से इस पैथी के प्रति लोगों का नज़रिया बढ़ेगा, और प्रशासन के लोग में जो बैठे हुए हैं, जब इसके फेरे में पड़ेंगे और ठीक होगा तभी इस पर छोटे छोटे एक साल, दो साल, एक साल का तो कोर्स बन गया है, हम लोग भी चाह रहे हैं कि दो साल, तीन साल का भी कोर्स बने। अब एक साल का बना दिए हैं, ग्रामीण आपको प्रशिक्षण स्वास्थ्य कर करता, अब किसी उसे और व्यक्ति को, यदि मान लीजिए उसको और ज़्यादा आगे की पढ़ाई करना चाहता है, उसके बाद कोर्स ही नहीं है, ये क्या तरीका है, ये नहीं उस क्या सोचता है, इसके आगे कुछ सोचना चाहिए। एक साल का बना दिए हैं तो दो साल का भी बनाइए, हमको जरूरी है कि आपको सब लोग एक ही साल तक वो अपने नॉलेज को उतना ही नॉलेज करना चाहता है, उसे भी हो सकता है कि दो साल, तीन साल, चार साल के लिए लोग मिल जाए।
तो कम से कम 2 साल 3 साल का भी कोर्स होनी चाहिए, डिप्लोमा कम से कम होनी चाहिए। सर्टिफिकेट तो चल ही रहा है, डिप्लोमा लोगों को भी, डिप्लोमा पहले DHMS था, न जाने किन लोगों ने उसे बंद कर दिया। बंद करने में लोगों को मास्टरी है, कोई भी कोर्स को सोच समझ कर ही बंद कर देना चाहिए। DHMS को बंद कर दिया गया, क्या तो BHMS आ गया। अरे भाई, BHMS अलग चीज़ है, बैचलर की डिग्री अलग चीज़ है, DHMS अलग चीज़ है, DHMS का अलग काम है। अब ऐसा थोड़े है कि अब गाड़ी आ गया है, बाइक आ गया तो साइकिल को बंद कर दे। साइकिल का काम अलग है और बाइक का काम अलग है। छोटे बच्चे हैं, क्या बाइक चलाएंगे? तो इसमें आप संशोधन होने चाहिए, छोटे बड़े कोर्स का सभी को रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल विचार है। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।